नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले आज पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की। जी हां, पीएम मोदी ने 45 सांसदों को चाय पर बुलाया था, जिस दौरान वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी 5 सांसदों को बुलाया था, यानी कि यूपी के 40 और उत्तराखंड के 5 सांसदों के साथ ये अहम बैठक हुई है। लेकिन इस अहम बैठक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस अहम बैठक में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी नहीं पहुंचे, और अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अजय मिश्रा टीनी इस अहम बैठक में मौजूद नहीं थे, क्या वजह थी। क्योंकि लगातार टेनी को लेकर इस्तीफे का मांग किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और अब आज मोदी ने ये बैठक बुलाई थी, मोदी ने ये बैठक की और उस दौरान सभी सांसद मौजूद रहे, लेकिन अजय मिश्रा टेनी इस बैठक में नहीं आए। तो क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में लखीमपुर खीरी के सांसद व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 40 सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में टेनी की गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे का मांग कर रहा है। असल में लखीमपुर में अक्टूबर के महीने में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 किसानों और 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 पत्रकार और 1 ड्राइवर की मौत हुई थी, जिसके बाद विपक्ष अजय मिश्रा को लेकर आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आई है। लेकिन लखनऊ में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक विपक्षी दल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, वहीं यूपी में चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्टी के लोकसभा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों से मुलाकात बुलाई थी, और दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि पीएम मोदी देश के अन्य राज्यों के सांसद से भी मिल चुके हैं, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होने के कारण ये बैठक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए पीएम मोदी सांसदों से राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर फीडबैक लेंगे। आज सुबह होने वाले इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाया गया था। उसके साथ ही आज की बैठक में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघावाल और पी मुरलीधरन भी बैठक में मौजूद रहे। असल में संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी हर दिन पार्टी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके जरिए वह राज्यों का फीडबैक राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से ले रहे हैं। गुरुवार को ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और दक्षिण भारतीय सांसदों से मुलाकात की थी। तो यूपी में चुनाव आया और मोदी ने चाय पर बुलाया, लेकिन इस दौरान अजय मिश्रा टेनी मौजूद नहीं हुए। अब इसको लेकर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों अजय मिश्रा टेनी इस अहम बैठक में नहीं आए, क्योंकि इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अजय मिश्रा टेनी इस बैठक में मौजूद नहीं रहे, तो अब देखना यह होगा कि आगे इस गैर मौजूदगी को लेकर और भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, और क्या आगे मोदी का कहना है और क्या क्या बयान आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।